नमस्कार दोस्तों, आपका अब तक टीवी चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं धीरज मिश्रा, जिला संवाददाता सीता। राष्ट्रीय प्रेस परिषद उपाध्यक्ष दिल्ली। हम आज यहां आए हुए हैं बनगढ़ आश्रम, जिसके महंत श्री संतोष दास जी हैं, और यहां पर हम कुछ वार्ता करने के लिए आए हैं। ये महाराज जी का, हम अपने कैमरामैन से कहना चाहेंगे, ये महाराज जी का आश्रम है। इनके आश्रम की तरफ थोड़ा कैमरा घुमाएं और महाराज जी का आश्रम दिखाएं। ये सब महाराज जी का आश्रम है। कुछ वार्तालाप हमें करनी है वो महाराज जी, जिसे हम करेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे। बाबा जी, क्या नाम है आपका? हमारा पुजारी रामचंद्र दास जी। महाराज जी हैं? महाराज जी हैं। क्या नाम है महाराज जी का? महाराज जी का नाम है रामचंद्र दास जी खाकी जी। यहाँ मिलेंगे महाराज? बिल्कुल मिलेंगे। मैं फकीर मरिया से, फकीर मरिया का पुजारी रामचंद्र दास जी खाकी जी। मान जी, हमें जैसे कि जानकारी मिली है कि जो श्री 84 कोसी मिश्रित नयनतारण मेला परिक्रमा समेत इसके जो आश्रम, पहला आश्रम के महंत थे भरतदास जी, उनका स्वर्गवास हो गया है, ये जानकारी हमें मिली है। उनके स्वर्गवास होने के उपरांत अब ये उत्तराधिकारी जो है ननकूदास जी को, महंत ननकूदास जी को बनाया गया है, इस बारे में आपका क्या कहना है? मूल बात यह है कि नयनतारण मंडल एक सर्वमान्य व्यवस्था है जी, और जो बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है जी। यहाँ महंत बनाने का अपना एक नियम और कानून होता है। जब कोई महंत दिवंगत हो जाता है तो पूरा मंडल, जो नमिसारण का मंडल है, साधु मंडल, वो बैठ करके विचार विमर्श करता है, और जो उपयुक्त और श्रेष्ठ उत्तराधिकारी होता है, क्योंकि आजकल उत्तराधिकारियों की तो लाइन लगी है, जहाँ भी संपत्ति है, धन है, वहाँ पर उत्तराधिकारी हैं, तो राइन नदी है, तो जो श्रेष्ठ उत्तराधिकारी होता है और जो कागजात हैं, डीडे हैं, उनके ऊपर आधारित और जो सामाजिक व्यवस्था है, तो लोकमत है, उसका सम्मान करते हुए हम लोग। और इसकी भी मान जी, हमें जानकारी मिली है कि इसमें कुछ विवाद चल रहा है, इसमें क्या जगह होते रहते जी, लेकिन मूल बात है महंत मंडल का अंतिम निर्णय होता है, निर्णय अंतिम है, वह अकाट्य है जी। और हमारे, हमने सर्टिफिकेट अभी दिया है जी, उसकी प्रति है, और हमने ये जो आप देख रहे हैं जी, ये सारे व्यवस्था पत्र हैं जी, और इसमें ये डीड है जी, जो अपाला आश्रम की मौलिक डीड है जी। इस डीड के अनुसार हमने जो तय किया है वह सभी पूरी तरीके से कानूनबद्ध है, और कहीं से भी अकंद अकाट्य है, उसको काट्य मान जी। अब कोई भी विवाद नहीं है? विवाद तो फिर विवाद तो कहीं कोई कहता रहता है जी, जी। है? आदमी कोर्ट भी जा सकता है, वो स्वतंत्र है जी, लेकिन कोर्ट में न्यायोचित व्यवस्था ही लागू है, और वो न्यायोचित व्यवस्था हमने की है जी, और यह पूरी तरीके से न्यायोचित है, अकाट्य है। और भी यहाँ पर कई लोग, मंडलीय महंत उपस्थित हैं, हम उनसे भी जानकारी लेंगे इस बारे में कि जो आज राज तिलक हुआ है महंत ननकूदास जी का, उस बारे में उनका क्या कहना है? क्या नाम है महंत जी? रामचंद्र प्रकाश दास जी। ऐसा है, हमारा ये नियम होता है, हमारे जो महंत की डेट होती है शुरुआत होती है, उनका जो चेला अच्छा चेला हो, योग चेला हो, ब्राह्मण हो या ठाकुर हो, तो यहाँ पे कोई चेला नहीं थे ननकूदास जी, तो महाराज जी लगाए थे, 7-8 साल लड़का रहे, उन्हें रहने के बाद में उनका हम लोगों ने तिलक किया है, विधवत उसी से हजारों आदमी तिलक किया है, पूरा मंडल, पूरा महंत। महाराज जी, आपका क्या नाम है? रामकृष्ण दास जी। तो आपका क्या कहना है महाराज जी इस बारे में? हमारा कहना है कि जो महंत की कार्य था जी, उसको जी, देखते हुए उसको आज रात तिलक कर दिया गया है जी, जी, जी। और वो भविष्य में जी, वहाँ का उत्तराधिकारी वो महंत रहेगा जी, जो उस योग्य था, उस योग्य था, उसको चलाने की वो काबिल है जी, जी। और अन्यथा अगर कोई गैर आता है वो अमान्य है। पान जी, एक प्रश्न और है ये कि जो पहला आश्रम है उसके महंत भरतदास जी जो थे, उनका स्वर्गवास हो गया है, और ये जो मेला लगता है यहाँ पे पंच दिवसीय परिक्रमा जो, और ये 84 कोसी परिक्रमा, पूरे मेला समिति के अध्यक्ष महंत भरत स्वर्गीय भरतदास जी ही थे। देखो, मैं 84 कोसी मिश्रित नयनतारण मेला परिक्रमा समिति का सचिव जी 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 जी
और हमारी व्यवस्था हम बहुत जल्दी बैठक करेंगे जी। आशा है कि हम उनके पद पर मंकू दास जी को ही घोषित करेंगे जी। तब तक के लिए जब तक कि हम यह घोषणा नहीं करते जी, जब तक वैधानिक तौर पर हम उन्हें अध्यक्ष नहीं बनाते हैं तब तक के लिए कार्यकारी अध्यक्ष हमारे बाबा चंद्र प्रकाश दास जी हैं और वो प्रक्रिया है, प्रक्रिया चल रही है और अति शीघ्र हम उसे पूरा कर लेंगे। ये तो आप जानते हैं समिति का मामला है जी, हम बैठक करेंगे और आधिकारिक तौर पर नंकू दास को परिक्रमा समिति का अध्यक्ष घोषित करेंगे। ये अलग विषय है और अति शीघ्र इसको हम पारित करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका हमारे चैनल में, वंदन अभिनंदन, धन्यवाद। महंत श्री नंकू दास जी की ताजपोशी में उपस्थित सभी मंडल महंत एवं अंतर्राष्ट्रीय कथा व्यास तथा गोपाल सरस्वती इंटर कॉलेज के उप प्रबंधक श्री सुरेश चंद्र अवस्थी एवं प्राचार्य सरोज सिंह एवं आचार्य जी राम सब रहे उपस्थित।